तो गाइस यार आज की वीडियो में हम लोग ढूंढने वाले हैं कुछ खतरनाक लकी बॉक्सेस, वो भी स्पाइडरमैन के। ये जो लकी बॉक्सेस है वो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इन सब लकी बॉक्सेस को हमको ढूंढना पड़ेगा पूरे लॉस सैंटोस में, और उसमें से निकलने वाले कुछ खतरनाक स्पाइडरमैन और एक गॉड स्पाइडरमैन, तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस यार अभी हम निकल चुके अपना पहला लकी बॉक्स ढूंढने स्पाइडरमैन का, और मुझे पता चला कि ये सामने से इतने छोटे से आइलैंड पे वो बसा हुआ है, और ये जो आइलैंड है ये लॉस सैंटोस से बहुत ही ज्यादा दूर है। जहां पे पूरा लॉस सैंटोस खत्म होता है वहां पे ये लकी बॉक्स है। तो अभी तो हम यहाँ पे आ चुके, चलो देखते हैं उस लकी बॉक्स के अंदर से हमें क्या मिलता है। और सामने मुझे एक बॉक्स दिख चुका है, क्या ये वही बॉक्स है? हाँ ये वही बॉक्स है, इस पर स्पाइडरमैन का यार मुंह छपा हुआ है। इसको बिना किसी तरीके खोलते हैं, और भाई साहब मैं बन चुका हूं था आयरन स्पाइडरमैन। ये देखो भाई ये स्पाइडरमैन का सूट है पर आयरन में, ये बहुत ही तगड़ा वाला सूट है। और देखो भाई मैं उड़ भी सकता हूं, भाई साहब मेरे सूट के अंदर से रॉकेट कैसे निकल रहा है भाई। ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला सूट है भाई, इसमें उड़ने में तो क्या ही मजा आ रहा है। ये सूट यार बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अभी यार और भी देखते हैं सूट में क्या क्या चीजें हैं। तो एक काम करते हैं यहां पे लैंड कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसके मुक्का मार के देते हैं। अरे भाई साहब अबे ये कहाँ चली गई कार, इस ट्रक पे ही मारते। अरे भाई 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 इस ट्रक को भी इतना ज्यादा ऊपर उड़ा दिया है स्पाइडरमैन के सूट ने, और इसके अंदर यार मिसाइल्स भी लगी हुई। इसको चलाने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये वाला सूट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया निकला, इसमें से मिसाइल निकल रही है, उड़ पा रहा है, और गोलियां निकल रही है, और इसमें से भी आग भी निकाल के देखते हो, आग भी निकल रही है। मतलब यार ओवरऑल ये सूट यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। पर ये तो था पहला लकी बॉक्स, अभी तो इसके बाद हम चार और पांच लकी बॉक्स खोलने वाले हैं, और एक में से तो निकलने वाला है अपना गॉड स्पाइडरमैन। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अभी मैं आ चुका हूं अपने अगले लकी बॉक्स को ढूंढने, और मुझे पता चला है वो एक गुफा के अंदर है। तो यहां पे गुफा जाती है, उसके अंदर वो लकी बॉक्स छुपा हुआ है। तो पहले तो ये गेट खोलने के लिए यहां पे अपन एक दो बॉम्ब लगा देते हैं, एक अपन ने लगा दिया और ये दूसरा भी लगा दिया। चलो थोड़ा दूर चलते हैं और यहां से करते हैं 3-2-1 बूम, और ये सारा का सारा गेट अपने फूट चुके हैं। चलो अभी इसके अंदर चलते हैं और उस लकी बॉक्स को खोज डालते हैं, और फिर देखते हैं उसमें से कौन सा स्पाइडरमैन निकलने वाला है। क्योंकि ये वाला स्पाइडरमैन तो बहुत ही मस्त था, पर जो इसके अगला वाला होने वाला है वो इससे भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होने वाला है। तो चलो फटाफट से देखते हैं, मेरे टॉर्च अपनी निकाल लिए। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई? अबे सामने से आग कैसे निकल रही है, पूरा लाल एरिया हो रहा है। गाइस फटाफट चल के देखते हैं, और गाइस हमें स्पाइडरमैन का एक और लकी बॉक्स मिल चुका है। फटाफट से इसको भी खोलते हैं, 3-2-1 ये ले, और हमने इसको खोल दिया। ये क्या, और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे ढंग से दिख नहीं रहा। एक काम करते हैं पहले बाहर चलते हैं यहाँ से, फिर देखते ये कैसा सूट है। और भाई साहब मैं कितना ज्यादा ऊपर कूद गया। अरे भाई साहब ये सूट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ओ भाई साहब ये तो यार बहुत ही तगड़ा वाला सूट है। गाइस फटाफट से मैंने बता दो आपको ये व्हाइट एंड ब्लैक वाला स्पाइडरमैन सूट कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे भी जाकर फॉलो कर लेना, वहां पे मस्त बातें करते हैं। और यार अभी तो यार ये बता दो कि सूट आपको कैसा लग रहा है। ये लोग मेरे से लड़ने आ रहे पर इनको पता नहीं है मैं तो स्पाइडरमैन हूं, वो भी अब तो अपग्रेडेड सूट वाला। ये सूट तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, इसकी पावर्स आप देख सकते हो कि मैं एक आदमी को उठा के दूसरे आदमी पटक रहा हूं। ये सूट मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, पर ये तो सिर्फ अभी दूसरा ही सूट है, इसके बाद भी हमें और सूट मिलने वाले। तो अभी अपन ये प्लेन पर टेस्ट करने वाले। और भाई साहब इसने प्लेन भी उठा लिया। अभी आप सोच सकते हो कि इतना सुकड़ी स्पाइडरमैन ने कैसे प्लेन उठा लिया। भाई साहब ये तो बहुत तगड़ा वाला पावर्स हमें मिल चुकी है, और यहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर्स को भी ब्लास्ट कर दिया। ये सूट बहुत ज्यादा मस्त है। गाइस सर अभी आप बता दो इन दोनों में से जो हमको भी सूट मिल चुके हैं उनमें से आपको कौन सा बेस्ट लगा, और इसके बाद हम जाने वाले अपना अगला सूट देखने। तो ये हेलीकॉप्टर तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया भाई साहब, ये सूट बहुत ही ज्यादा मस्त है। चलो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने अगले लकी बॉक्स पे। और सामने ये इतना सारा धुआं क्यों निकल रहा है, लग रहा है कोई तूफान वूफान आया। मुझे लगता है वहीं पे आसपास कहीं पे मुझे वो लकी बॉक्स मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे तूफान सा मचा हुआ है। अगर सोचो अगर हमने वो लकी बॉक्स खोला और उसका सूट कितना खतरनाक होगा, क्योंकि यार वो सूट यार इधर से तूफान मचा रखा है। चलो फटाफट से इधर चढ़ते, मुझे लगा ऊपर ही होगा। तो सामने देखो भाई कितना ज्यादा मिट्टी का तूफान उड़ रहा है। फटाफट से क्लोज जाके देखते भाई क्या कौन सा सूट मिलने वाला है, और मेरे सामने थोड़ा थोड़ा बॉक्स वो दिखने लग गया। चलो फटाफट से इधर ऊपर चढ़ते, देखो ये सामने मुझे बॉक्स दिख रहा है। भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। चलो यहाँ से फटाफट से ऊपर चढ़ जाते हैं अपन। तो जो ये लकी बॉक्स है ये मुझे मिल चुका, और ये नॉर्मल यार गन से टूट भी नहीं था, तो मुझे निकालनी पड़ी स्पेशल लेजर गन। तो फटाफट से फोड़ते हैं, और भाई साहब ये क्या हो गया।
अरे भाई साहब ये देखो ये क्या सूट है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा तगड़ा वाला स्पाइडरमैन का सूट है। इसकी शक्ति तो बहुत ज्यादा मुझे फील होने लग गई है, और ये मैंने ट्रक एक ही बार में उठा लिया, उसको इतना दूर फेंक भी दिया है वो भी अपने हाथों से। काइजर फटाफट से बताओ आपको ये सूट कैसा लग रहा है दिखने में, और ये उड़ भी कितना ज्यादा फास्ट रहा है, फटाफट से कमेंट में बता दो आपको कैसा लगा ये वाला सूट। अरे भाई साहब इसने अपनी यार आंखों में से लेजर निकाली और वो सबका सब ब्लास्ट कर दिया। काइजर फटाफट से कमेंट में बता दो आपको कैसी लगी इसकी शक्तियां, ये तो बहुत ज्यादा सुपर है। और अभी देखो भाई मैं इसको पंच मार रहा हूं, ये क्या उड़ते हुए जा रहे हैं, ये तो यार बहुत ज्यादा बढ़िया वाला स्पाइडरमैन हमें मिल चुका है इस वाले लकी बॉक्स से। सोचो ये इतना ज्यादा खतरनाक स्पाइडरमैन है, जो अगला स्पाइडरमैन लकी बॉक्स होगा वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। और इसको मैंने मार के पानी के अंदर फेंक दिया इस पूरी ट्रक को, और इसका तो पानी में भी जो सूट चमक रहा है ये तो बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस अभी हमें पता चला है कि जो अपना अगला वाला लकी बॉक्स है वो है मिलिट्री बेस के अंदर। तो अभी थोड़ा यहाँ पे दंगा करने के बाद अभी हम जाने वाले मिलिट्री बेस। एक काम करते हैं प्लेन को पकड़ते हैं। भाई साहब ये प्लेन कितने में कि प्लेन से भी तेज जा रहा था भाई साहब। अभी हम आ चुके हैं मिलिट्री बेस पे, और यहाँ पे हमने ढूंढना है अपना अगला स्पाइडरमैन लकी बॉक्स। तो पहले यार फटाफट से शुरू करते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा यार दंगा मचाया जाए, क्योंकि मिलिट्री बेस आए और दंगा नहीं मचाया जाए तो ऐसे कैसे मजा आएगा। और ये प्लेन कैच करो भाई साहब, ये प्लेन को उठा ले दोनों अपने पास हाथों से, ये बहुत 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 ज्यादा पकड़ा स्पाइडरमैन ने। गाइस अभी तक जितने भी स्पाइडरमैन देखे आपको उसमें से कौन सा बेस्ट लगा फटाफट से कमेंट में मुझे बता देना। अभी मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन का अगला लकी बॉक्स ढूंढ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा, मुझे लगता है कहीं ऊपर नहीं हो, तो चलो एक बार ऊपर भी चेक कर लेंगे, पहले यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टैंक वैंक भी आ चुके हैं। एक सेकेंड, अरे भाई ये तो यहीं पर निकला भाई साहब, अगला वाला हमें जो स्पाइडरमैन का लकी बॉक्स है वो हमें मिल चुका है, और ये मिलिट्री बेस वालों ने यहाँ पे छुपा के रखा था, पर कोई बात नहीं, इसको मैं अपनी आंखों के लेजर से तोड़ा, और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। काइजर ये बहुत ज्यादा बढ़िया वाला स्पाइडरमैन है, ये अंदर कैसे चला गया जमीन के अंदर, और ये काला लिक्विड बन चुका है। मुझे लगता है इसके अंदर वेनम की शक्ति आ चुकी है, पर वेनम भी इतना ज्यादा खतरनाक था, ये कितना खतरनाक हो चुका है भाई साहब आप देख सकते हो। उरे 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 अब इसने पूरे यार मिलिट्री वाले को अपने अंदर खींच लिया। काइजर ये सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन लगा मुझे तो, आपको कैसा लगा फटाफट से बता दो। ये देखो कभी भी जमीन के अंदर जा रहा है, कभी भी बाहर आ रहा है, और ये किसी को भी अपने अंदर खींच ले रहा है। ये देखो इसको भी अपने अंदर खींच लिया, ये जमीन के अंदर डाइव मार मार के ऐसा लग रहा है पानी के अंदर डाइव मार रहा है, और ये हवा में भी ऐसे उड़ सक रहा है धुएं की तरह, ये बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है। ये देखो अभी दो मिलिट्री बेस वाले जने जो खा गया ये, और ये पूरी कार खा चुका है मिलिट्री बेस वालों की, और ये अभी देखो टोर्नेडो चला दिया इसने भाई साहब, ये बहुत ज्यादा मस्त है। और वो है पूरा का पूरा मिलिट्री वाला बंदा गायब हो गया। अब इस कार को भी अपन गायब करते हैं, इसको गोल कर घुमा के टोरेंटो में, और ये सीधा गायब। भाई साहब इसकी शक्तियां तो बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल की है, अगर जैसे इसको ज्यादा लगने लग जाती है जैसे जमीन के अंदर चला जाता है और इसको फिर कोई ढूंढ भी नहीं पाता, और ये टोरनेटो वाली पावर तो सबसे ज्यादा तगड़ी है। अब इस हेलीकॉप्टर को भी एक बार गायब करते हैं, 3-2-1 गोल गोल रानी, और ये अपना हेलीकॉप्टर गायब, और मैं वापस आ चुका अपने रूप में। ये वाला स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा बढ़िया, इसके 6 हाथ है और उसका मुंह इतना ज्यादा खतरनाक, कोई देखते ही डर जाए, और किसी को भी अपने अंदर खींच लेता है। ये आ जाए इसको भी अंदर ले लिए, कम से कम ये 20-30 जनों को अंदर ले चुका हूं, और 4-5 गाड़ी अंदर ले चुका हूं, और एक हेलीकॉप्टर भी अंदर ले चुका हूं। भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला स्पाइडरमैन है। अभी देख सकते हो भाई मैं हवा में भी इससे उड़ सकता हूँ, वो भी काला धुआं बन के, मतलब पॉल्यूशन बन के। तो कुल मिला के मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, अगर आपको मजा आया हो तो फटाफट से कमेंट में बता दो, और बताना कि आपका सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन कौन सा लगा, सबसे शक्तिशाली स्पाइडरमैन कौन सा था, फटाफट से कमेंट में बता देना। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।